दिस इज़ हिरा खान फ्रॉम एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद। मैं हैदराबाद में तकरीबन 2 साल से एक प्रॉपर वर्किंग कर रही हूँ रेस्क्यू के लिए, और मेरा ज़्यादा फोकस होता है कैट्स पे, डॉग्स और डॉगीज पे, सम टाइम बर्ड्स भी होते हैं। तो हमारा बेसिक जो वर्क है उसमें हम लोग उन्हें ट्रीट देते हैं और ऑन लोकेशन ट्रीटमेंट भी करते हैं, एंड थर्ड वन ये है कि उन्हें रेस्क्यू करते हैं और फिलहाल अपने घर पर रखते हैं। मुझे नाम आदिल बुकियो है। इन कम में मां बचपन का ही आया, पर एक टीम के थ्रू असन बस अलन का कभी टीम रोड कम के और ना। अभी हमारे पास इनिशियली कोई शेल्टर है नहीं, सो हम अपने घर को ही हमने शेल्टर बनाया हुआ और वहां पे हम वर्किंग करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमें कोई शेल्टर फराहम करें कि जहाँ पर हम ये तमाम लवारिस जानवरों को रख सकें और उनका ख्याल रख सकें और इन्हें प्रॉपर छत फराहम कर सकें। सर इन अवेयरनेस कम कहूँ पे अवेयरनेस ये मानो के दिंदा सी जी हाँ हर मानो वट वसा वनी ना सकूं ता सा सोशल मीडिया के थ्रू आई तां चैनल के थ्रू असा मानो के अवेयरनेस देने कोशिश कंदा रहंदा हूं आई इने थ्रू थोड़ो फर्क पयो मानो में जे के हाने जानवर से थोड़ो ऐसा जो रखन। मोस्टली हमारे पास कैट्स, डॉग्स, डोंकीज और बर्ड्स आते हैं ज्यादा, जो नॉर्मली सबको देखने में आते हैं बाहर, यही एनिमल्स हैं। देखिए आप अपने घर में रह के और एक कम बजट में अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह कोई एनिमल्स के लिए हेल्थ हेल्प कर सकें तो आप कितना कर सकते हैं। आप अपने घर के बाहर बॉल्स रखें, उसमें पानी रख दें, थोड़ा सा खाना रख दें, चाहे वो बर्ड्स के लिए खाना हो। आप अपने घर की छतों पे अभी गर्मियाँ हैं, बर्ड्स मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, आप उनके लिए दाना पानी रख दें, या घर के बाहर बॉल रख दें, उसमें रोटी रख दें, दूध रख दें, तो हमारे आस पास जो भी बिल्ली या कुत्ते वगैरह होते हैं वो उसमें से खाना खा लेंगे। तो इतना भी आप करेंगे तो आपके आसपास का जानवर आपसे बड़ा खुश भी होगा, आपको दुआएं भी देगा, तो वो ये ज़रूर करेंगे। बचपन का यही दिखा रहे हुआ इवन स्टोरी में ये बिटो आ जो गदे है उनके बेवकूफ समझ में आ तो ये जो भी है बेवकूफ है शी के समझ में आई वो बड़ा ताकतवर है एकड़ो मना सुठी निशानी है तो इन करे मानु जी दिमाग में जो बचपन का व्यार छियो तो गदे एकड़ो खराब जानवर है, बेवकूफ जानवर है। इवन असा ने के गलत लफ्ज में इस्तेमाल कर दम गदे। मैं समझती हूं कि बहुत बहुत प्यारा जानवर है गधा, तो आप समझते हैं बहुत प्यारा जानवर है गधा। आपको कभी आप उसको मारते हैं वो आप पे बार बोलेगा नहीं, आपको कुछ आपको पलट के मारेगा नहीं, वो बड़ा मासूम जानवर होता है गधे के। अगर आपने देखना है ना कि वो किस तरह का है, आप सिर्फ उसकी आँखें देख लें, इतनी इनोसेंट होती है, इतना वो मासूम जानवर है ना, उसकी आँखें बोलती हैं, बस उसके आप सिर्फ आँखें देख लिया करें। वो कभी भी कुत्ते की तरह बार नहीं करता, आपको पलट के कुछ भी नहीं करता। गधा बहुत ज़्यादा मासूम जानवर है, और अगर आप कुत्ते को ऐसा समझ रहे हैं तो लोग मिसाल देते हैं कि उसकी लॉयल्टी है ना, तो आप कुत्ते को बिल्कुल आप उसका ख्याल रखो और वो कभी नहीं काटेगा आपको, आप उसको खाना दो, आप उसका ख्याल रखो। थोड़ा सा भी प्यार जो है ना एक जानवर को भी बदल देता है। हम ये मिसाल इंसानों को भी देते हैं लेकिन मैं जानवरों को भी देती हूँ कि उन्हें भी वो बदल देता है। आप थोड़ा सा उन्हें प्यार दें तो वो बिल्कुल आपके साथ बदल जाएगा। दोस्तों की असल में टाइम लगन छो जो बचपन में जी गाल सही विधि हुई है तो जो गधे है वो बड़ो खराब जानवर है, छो जो गधे के शुरू का ही इनके बेवकूफ़ जानवर या खराब जानवर समझ में हालांकि गधे असड़े वही जरूरत की शे जिनमें अस इस्तेमाल क्यों था घड़ी शुन में जी उनके अस ट्रैवल कर सकूँ था वनते इस्तेमाल कर सकूँ था सामान खड़ी हली सकूँ था हालांकि सभी का मचड़ो ही गधे है पर अस दिमाग में जी शे विधि हुई है वो इनको ही भाई खराब जानवर है ये मुझे खबर ना छो पर वजह से अजा देर तक खबर न पी हालांकि गधे सभी का बेहतरीन जानवर ही कम ही जानवर है। कुछ इस तरह पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ कौवे की चलाकियों की कहानी सुना दी है या गधे की बेवकूफ़ी की कहानी सुना दी गई है कि वो उसके ऊपर नमक रखा तो गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। गधा बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होता, गधे को भी अक्ल होती है। आप कभी उससे पंगा लेके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं होता है। तो निसाब में बिल्कुल शामिल करें ताकि बच्चों को अवेयर हो कि ये भी एक जानवर है और हम इन आसपास जो हमारे जानवर हैं उसके बारे में आप पढ़ाएं। आप उन जानवरों के बारे में पढ़ाते हैं जो ना ही हमारे आसपास हैं और ना ही इन फ्यूचर कभी हो सकते, और इन फ्यूचर हो सकता है जरूर भी ख़त्म हो जाए तो वो बिल्कुल ही जो देखने को मिलते हैं वो भी हमें देखने को ना मिले। तो आप ऐसे जानवरों को पढ़ाएं, अवेयरनेस दें, उनका केयर करने के हवाले से उन्हें गाइड करें ताकि बच्चे अपने आसपास देखेंगे कि ये जानवर है तो ही वो उसका ख्याल रख सकें। जानवर जो शौक और टर्निंग पॉइंट यो ही है तो जी अख खोली तो जानवर से मोहब्बत भी कर बचपन का वी मुहब्बत थी जानवर का इवन माना जैसे 4-5 साल जो हुआ कद माना मानू रांदी का वा गाड़ी वगैरह में जानवर का शौक कह कुत्ता बिल्लू ये रखी शुरू का वी हिं सिर्फ रेस्क्यू पे क्या उ जानवर का इंसान देखे
चल भी सकता है, अपने हाथों से बहुत कुछ कर भी सकता है, अपनी जबान से बोल भी सकता है, अपनी आँख से देख भी सकता है, सुन भी सकता है। इंसान जो चाहे तो कर सकता है, अगर कोई नहीं कर सकता है तो बेजुबान जानवर नहीं कर सकता है ना। तो हमें उसके बारे में सोचना है और उसका ख्याल करना है। इंसान जो चाहे कर लेना, आपने बेजुबानों के लिए भी सोचना है। और ये प्लेनेट सिर्फ इंसानों का नहीं, ये जानवरों का भी है, ये परिंदों का भी है, ये पौधों का भी है। लेकिन हम इंसान सिर्फ ये समझते हैं ये हमारी ज़मीन है, हमने इस पर रहना है और हम ही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी सारी मखलूकों उनको इस दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने किसी ना किसी वजह से जानवर को उतारा था। ये जानवर भी आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है, आपकी हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है किसी ना किसी तरह। आप अगर इसका पूरा साइकिल पढ़ें तो आपको फिर मालूम होगा कि हर जानवर हमारे लिए हेल्पफुल है या हम उसके लिए हेल्पफुल है। सब एक सिस्टम पर चल रहा है। जिकी से टीम आया हुआ नी या जो एकड़ो टीम मेंबर खातो वगैरह नी दोआ एकड़ो मेडिकेशन कंदो एकड़ो रेस्क्यू कंदो तो इन में टीम मेंबर से डिवाइड थेल सेक्शन में मेडिकेशन ला सा एकड़ो डॉक्टर है डॉक्टर पर जो से फुल सपोर्ट कंदो हर गाज में मेडिकेशन की उपाय क्लिनिक में फ्री दी दोआ इन दवा वगैरह फ्री में से प्रोवाइड करे। आप घर से बाहर निकले कोई जुल्म होता हुआ देखे जानवर के ऊपर तो आप उन्हें रोकें। मोस्टली आपको गधा गाड़ी वाले दिखेंगे जो डंडी से जानवर को मार ही रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड ये कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन भी डाला हुआ होता है, वो भी आप उनसे बात कर सकते हैं। आप तरीके से इज्जत से किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो गधा गाड़ी वाला ही क्यों ना हो, आप इज्जत से मोहब्बत से थोड़ा उसको एजुकेट करें, वो समझ जाता है। इस तरह मेरे आस पास भी बहुत सारे वाक्यात होते हैं तो मैं भी उनसे जाकर बात करती हूँ कि भाई आप इस तरह रखें, अपना जान का ख्याल रखें। उसे मारेंगे आग जाएगा या बीमार हो जाएगा या मारते जख्मी हो जाता है, आप उसका ख्याल रखो, अच्छा उसको खाना दो, वो ज़्यादा चलेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। ये आप बात करना तो बहुत आसान है ना, 5 मिनट जो आप चलते हो किसी जानवर को दे सकते हो, उसके लिए 5 मिनट की बात आप बोलेंगे समझ लें आप जानवर की आवाज़ बने, उन बेजबानों की आवाज़ बने। ये दिमाग में आज सोचो भी है तो असा यो अवेयरनेस ला हाँ स्कूल पर लॉकडाउन के करे स्कूल बंद आई इनकर वन न हिट एंड रन केस जो हों गाड़ियों के एक्सीडेंट थन्दा उनमें डॉग्स से घड़ा मिलना बाकी सिटी एरिया में जो डोंकीज हैं वो घड़ा तो मिले। हमें रेस्क्यू कॉल्स जो भी आती है तो सबसे पहले हम उसको जाके रेस्क्यू करते हैं, देन हम उसको क्लिनिक लेके जाते हैं ना जो भी हॉस्पिटल में होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम उसे अपने घर ले आते हैं। कैट्स है या डॉग्स है तो हम उसे अपने घर लाते हैं, देन डोंकीज है तो हमारे पास एक छोटा सा स्पॉट है, हम डोंकीज को वहाँ पर रखते हैं और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम उनका ख्याल रखते हैं। मेन कमी है वो है शेल्टर की, असर शेल्टर प्रोवाइड करके जानवर रखने की तकलीफ थी ढी असट नजर में आई जी गवर्नमेंट जहाँ ही अगर वो चवंदा उसे शेल्टर ठा सकते गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से अभी तक कोई ऐसा फंड्स नहीं मुझे मिले हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं आई है। सो गवर्नमेंट के लोगों से और सेकेंड मेरे हैदराबाद के लोग जो अफोर्ड कर सकते या जो मेरी हेल्प कर सकते हैं फंड्स के हवाले से तो प्लीज़ वो हमें शेल्टर के लिए कोई जगह दें, ठीक है। और सेकंड ये कि जगह चलें बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इसके अलावा आप थोड़ा भी फंड दे सकते हैं तो आप हमें फंड दें, आपके थोड़े से पैसे भी किसी जानवर की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप उनके फूड के लिए पैसे दे सकते हैं, आप उनके इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, ये दो ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप चाहें ये काम आप खुद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप खुद भी करें। सर असा पेज से बिल्कुल अकाउंट नंबर पेज है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद अस ये पैगाम दींदे दिल में ऐसा रखो जानवर में भी सह है उनके भी तकलीफ थी ख्याल रखो। सोशल मीडिया का मेरा पेज है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से है, आप उस पर मैसेजेस मुझे करें विद इन अ मिनट आपको रिप्लाई आएगा। मैं रन करती हूँ पेज और मेरी टीम मेंबर्स है वो सब पेज पे एक्टिव होते हैं 24 आवर। आप जब भी मैसेज करेंगे आपको फौरी तौर पर रिप्लाई आएगा, चाहे वो रेस्क्यू के हवाले से हो या किस भी हवाले से आप बात करना चाहते हैं, अपने एनिमल्स के लिए हेल्प देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। कुत्ता मामू जी ऐसा बिल्कुल खिलाफ हम जो कुत्ता मारण एकड़ो हल ना है, कुत्ता का कितना कुछ भी मारी दो तो सब न था मारे सको, एकड़ी बीमारी की करे ता 100 कुत्ता मारियो ता उन जो एकड़ो हल है वैक्सीन के उनन के और उनन के न्यूट्रल का बाजी में आबादी न बदे उन जो भी एकड़ो हल। एक्चुअली क्या हुआ था कि रेस्क्यू मैं हमेशा से करती आई हूँ, बचपन से ही मैं रेस्क्यूअर रही हूँ और एनिमल्स को फीड देती रही हूँ, ये मेरा शौक है। एक दिन ऐसा हुआ तकरीबन आज से 2 साल पहले कि एक डोंकी मुझे आउट ऑफ एरिया से रेस्क्यू करना था, तो मैं वहाँ से जा रही थी, मुझे डोंकी दिखा तो मैंने सोचा कि जब मेरे एरिया में डोंकी होता है वो तो मैं ट्रीटमेंट उसका करवा देती हूँ पेट को बुला के,
एक दूसरे एरिया से लाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैं उस टाइम घर आ गई, काफ़ी टेंशन में बैठी रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर एक गाड़ी वाले से बात की, घर से बाहर निकली, गाड़ी वाले को लेके गई, एक तो लेबर को साथ लिया, डॉक्टरी को उसमें लोड करवाया, दैन में डॉक्टर के आ गई, उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर अपने एरिया में उसे रखा। तो उस लम्हे ही बस मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ अपने एरिया में काम नहीं करूँगी, मैं बाहर भी करूँगी, मैं एक टीम भी बनाऊँगी, और अब मुझे एनिमल्स के लिए प्रॉपर कोई शेल्टर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हैदराबाद के हमारे जानवर इसी तरह परेशान ही रहेंगे हमेशा। हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत मोहब्बत वाले भी हैं, तो प्लीज़ जानवरों से मोहब्बत करें, उनको खाना खिलाएँ, और एनिमल्स का बहुत 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 ख्याल रखें। अपने घरों की छतों पे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए पानी और दाना लाजम रखें। अपनी मोहब्बत जानवरों के लिए भी दिखाएं। हैदराबाद के बहुत अच्छे मीठा बोलने वाले हमारे सिंधी, उर्दू, महाजे सारे बहन भाई हैं माशाल्लाह। तो वो सब 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 प्लीज़, ये एक ऐसा काम है जो इन सब बातों से, इन चीज़ों से, और हम जो दुनिया की चीज़ों में चल रहे हैं, सबसे हट के काम है और बहुत प्यारा काम है। तो प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे हर एक एक बंदे के साथ